Hello children, in this video we will do CSS borders. Okay, so with the help of CSS borders we can apply borders on HTML element. Hum HTML elements ke upar borders ko apply kar sakte hain. Okay, we can provide them different style width and color. Okay, different style width and color of the borders which is surrounding the HTML element. ठीक है, तो जो border surround HTML element को enclose करके जिस border से वो enclose हुआ है, okay, तो उसको हम different क्या दे सकते हैं, उसको हम different style दे सकते हैं, color दे सकते हैं, different width दे सकते हैं. fine, तो क्या होता है, different different style होता है borders का, like dotted, dotted क्या होगा, dotted border को define करेगा, dashed, dashed क्या होगा, डैश्ड बॉर्डर को डिफाइन करेगा, सॉलिड लोगे तो सॉलिड बॉर्डर को डिफाइन करेगा. तो ऐसे वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स फॉर द बॉर्डर्स, राइट. तो यहाँ पे हम बॉर्डर का स्टाइल करने जा रहे हैं. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट. राइट, वी आर स्टार्टिंग विद द डॉक टाइप. डॉक टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप. ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, किस लैंग्वेज में है, तो ये हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि वो हमारा एचटीएमएल का है. फाइन, सो हियर वी हैव हेड टैग. Then in the head we have style tag. ठीक है, तो यहाँ पे हम internal CSS का use कर रहे हैं. Fine, इसके अंदर हम class create करेंगे. ये मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है, कि class कैसे create करते हैं. अब यहाँ पे मैंने p एक class मैंने create की dotted, right? लेकिन मैंने उस class को पहले, जब आप एक क्लास क्रिएट करते हो वो सबके लिए अप्लाई होती है, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, एलिमेंट स्पेसिफिक बना दिया. मैंने वो क्लास सिर्फ किसके लिए बना दी है, पी टैग के लिए बना दी है, मतलब पैराग्राफ टैग के लिए बना दिया. फाइन, ओके, एंड दैट आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि कैसे क्लास क्रिएट करते हैं. ओके, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल हमने इसमें दे दिया डॉटेड. फाइन, देन नेक्स्ट क्लास पी डॉट डैश्ड. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. फाइन, तो ये हमारा हो गया बॉर्डर स्टाइल. बॉर्डर स्टाइल हम इसमें लेते हैं डैश्ड. फाइन, ओके, then p dot solid. border style, border style आप क्या लोगे, solid. fine, next हम देंगे p dot double, double border. बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल. तो हम क्या करें, क्लास क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर क्या दे रहे हैं, एट्रीब्यूट एंड उसकी वैल्यू. तो एट्रीब्यूट हमारा क्या है, बॉर्डर स्टाइल, और उसकी वैल्यूज हम डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं. जैसे हमने दिया डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड. ओके, तो यहाँ पे क्लास की जो भी आप क्लास, अब ये जो आप डबल वाली क्लास है मान लो, वो आप जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई, यहाँ पे लेकिन हमने पैराग्राफ स्पेसिफिक बना दिया है, तो क्या होगा, तो जिस भी एलिमेंट पे आप डबल वाली क्लास अप्लाई करोगे, मींस आप जिस भी पैराग्राफ पे आप डबल वाली क्लास अप्लाई करोगे, तो वो क्या होगा, डबल बॉर्डर उस पे आपका शो होगा. फाइन, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल हमारा आ गया डबल. फाइन, फिर हमने दिया पी डॉट ग्रूव. बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल हमारा है ग्रूव. ग्रूव, फाइन. नेक्स्ट हम देते हैं पी डॉट रिज. पी डॉट रिज, बॉर्डर स्टाइल रिच. फाइन, देन पी डॉट इंसेट. तो यहां पे हम क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर स्टाइल.
ridge. Okay, ridge we have done. We this is inset. Inset. Okay. Then P dot outset. Border style outset, then p dot none. None में क्या होगा, border apply नहीं करेगा. Okay, border style none. Okay, नेक्स्ट वी हैव पी डॉट हिडन. हिडन में क्या होगा, बॉर्डर तो होगा बट इट विल नॉट बी विजिबल. बॉर्डर स्टाइल हिडन. फाइन, देन पी डॉट मिक्स. मिक्स क्या है, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स दे सकते हो. बॉर्डर अपने एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स दे सकते हो. जैसे आपने दे दिया डॉटेड डैश्ड सॉलिड डबल. फाइन, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टाइल को क्लोज कर देंगे. ओके, एंड हेड को क्लोज कर देंगे. देन वी विल स्टार्ट आवर बॉडी. बॉडी टैग हमने स्टार्ट किया, ठीक है. बॉर्डर में हम देते हैं H1. H1 में द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी H1. ओके, then we will give the paragraph tag here. Paragraph, ठीक है. This property specifies what kind of borders to display. चलो इसको रहने देते हैं. अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का यूज करते हैं. फाइन, पी, पहले फर्स्ट क्लास यूज करते हैं, पी क्लास. यहाँ पे हमने डॉटेड क्लास को अप्लाई किया, डॉटेड. ओके, पी क्लास डॉटेड. ओके, अब हम यहाँ पे ले लेंगे अ डॉटेड बॉर्डर. ओके, ये पैराग्राफ दे दिया हमने पी क्लास. नेक्स्ट क्लास पी क्लास, यहाँ पे हमने दिया डैश्ड, क्योंकि जितने भी हमने क्लासेस बनाई है अब हम उनको यूज करेंगे, ठीक है, अपने पैराग्राफ पे. तो इसका दे दिया अ डैश्ड बॉर्डर. ओके, देन पी क्लास सॉलिड सॉलिड. ओके, इसमें हमने दिया अ सॉलिड बॉर्डर. ओके, नेक्स्ट वी हैव डबल पी क्लास डबल, ठीक है. इसमें हम दे देंगे अ डबल बॉर्डर. ओके, नाउ पी क्लास रूफ. ओके, यहाँ पे हम लेंगे अ रूफ बॉर्डर. फाइन, देन पी क्लास, जितनी भी क्लासेस बनाई है सबको हम यूज करते हैं. पी क्लास हमारी क्या है,
rich, okay, a then p class inset a inset border फाइन। तो जो जो क्लासेस है उसकी फॉर्मेटिंग उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा है p क्लास हाउस सेट, ठीक है, आ सॉरी n n आएगा ना क्योंकि o है n हाउस सेट बॉर्डर, फाइन। देन वी हैव p क्लास नन, ओके, इसमें आएगा हमारा नो बॉर्डर, ओके। देन वी हैव पी क्लास हिडन, सो हियर वी हैव अ हिडन border, okay, then p class mix, तो इसमें क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स आएंगे एक ही एचटीएमएल पैराग्राफ पे, ठीक है, मिक्स्ड बॉर्डर। ओके देन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, ओके, ये हमारा हो गया है। इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, इसको दे देते हैं हम border .html, सेव कर दिया बॉर्डर डॉट एस टी एम एल के नेम से, फाइन। ये हमारी फाइल है, इसको ओपन विथ ब्राउजर कर देते हैं, ओके। अब देखो ये लोड हो रहा है, फाइन। सी सबसे पहले हमने क्या दिया था, डॉटेड बॉर्डर, तो हमारा डॉटेड बॉर्डर आया है, ठीक है, डॉट्स वाला बॉर्डर आया है, ठीक है। देन सेकंड हमने क्या दिया था, डैश्ड बॉर्डर, तो यहाँ पे हमारा डैश्ड बॉर्डर आया है, फाइन। देन हमने क्या दिया था, सॉलिड बॉर्डर, सॉलिड आया है कम्प्लीटली, ठीक है, सॉलिड बॉर्डर आया है। देन डबल बॉर्डर, देखो ये इसकी लाइनिंग डबल है, डबल बॉर्डर आया है, फाइन। देन ग्रुप बॉर्डर, दिस इज योर ग्रुप बॉर्डर, एंड देन रिज बॉर्डर, फाइन। देखो इसमें क्या, जो इसकी आउटलाइनिंग है इज लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट, फाइन। देन हमारा है इनसेट बॉर्डर, दिस इज योर इनसेट बॉर्डर, ओके, एंड दिस इज योर आउटसेट बॉर्डर, फाइन, ओके। देन यू हैव नो बॉर्डर, इसमें आपका बॉर्डर नहीं है, हिडन बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर है बट इट्स नॉट विजिबल। अब क्या है, हमारा मिक्स बॉर्डर आया है, ठीक है। मिक्स बॉर्डर में क्या है, हमने डिफरेंट डिफरेंट उस पे अप्लाई की थी, फाइन, डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर क्या किया था, हमने दिया था इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया था, डॉटेड, तो हमारा क्या है, जो आपका अपर बॉर्डर है वो डॉटेड आया है, फाइन। देन आपने लिया था डैश्ड, डैश्ड जो आपका राइट वाला बॉर्डर है वो आया आपका डैश्ड। देन आपने लिया था सॉलिड, सॉलिड आपका जो बिलो बॉर्डर है वो सॉलिड आया है। देन आपने लिया था डबल, ठीक है, तो डबल बॉर्डर आपका ये जो लेफ्ट है वो आपका डबल आया। तो सबसे पहले क्या आया है, आपका अपर बॉर्डर, देन राइट बॉर्डर, देन बिलो बॉर्डर, एंड देन आपका लेफ्ट बॉर्डर, ओके। तो हियर वी हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स टू द बॉर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट,
ओके अब हम करेंगे बॉर्डर विथ, ठीक है, कि आप बॉर्डर को विथ कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। अभी हमने क्या किया था, बॉर्डर स्टाइल की हेल्प से बॉर्डर अप्लाई किया था एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप जो आपने बॉर्डर अप्लाई किया है उसकी विथ आप कैसे दे सकते हो, ठीक है। ओके इट इज सेट इन इन नंबर ऑफ पिक्सल्स, आप इसको पिक्सल्स में सेट कर सकते हो, ओके या फिर आप प्री डिफाइंड वैल्यूज जो होती है, जो थिन मीडियम एंड थिक, ओके ये वैल्यूज स्पेसिफाई करके भी आप बॉर्डर की विथ को अप्लाई कर सकते हो, मतलब बॉर्डर विथ को चेंज कर सकते हो। ओके वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि पहले आपको बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करना है, बॉर्डर स्टाइल जरूर देना है, फिर आप बॉर्डर विथ दो विथ दोगे, ठीक है। अगर बॉर्डर स्टाइल नहीं दोगे, प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, तो क्या होगा, बॉर्डर आएगा ही नहीं, फाइन, क्योंकि बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द बॉर्डर, राइट। तो अब हम एक क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाते हैं, फाइन, उसमें हम देखेंगे कि कैसे बॉर्डर की विथ को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। ओके डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल फैट स्टाइल स्टाइल, ओके अब हमने क्या करना है, इंटरनल सीएसएस बनाया है, अब हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। वन क्लास का नेम क्या है, वन, लेकिन मैंने इसको पैराग्राफ स्पेसिफिक क्लास बना दिया है यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या दूंगी, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉर्डर आएगा ही नहीं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल मैंने देते हैं सॉलिड, ओके जिससे क्या होगा, सॉलिड इसलिए दिया जिससे बॉर्डर विथ पता चले। अब आप दे दो बॉर्डर विथ, विथ बॉर्डर विथ मैंने दे दिया 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, फाइन। देन मैंने नेक्स्ट क्लास बनी बनाई है p2.2, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आपने अगेन दे दिया सॉलिड, सॉलिड, ओके बॉर्डर विथ आपने दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक हमारी होती है क्लास वैल्यूज उनको अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया मीडियम, मैंने पिक्सल्स में नहीं दिया, स्पेसिफिक जो वैल्यूज है उनमें दे दिया है मीडियम, फाइन। देन p.3 बॉर्डर स्टाइल आपका हो गया डॉटेड, ओके एंड बॉर्डर विथ आपने दे दी, यहाँ पे हम देते हैं थोड़ा ज्यादा से देते हैं 8 पिक्सल, 8 पिक्सल, फाइन। देन p.4 क्लास बॉर्डर स्टाइल आपने दिया डॉटेड, इसमें भी फाइन, एंड बॉर्डर विथ यहाँ पे हम कह देंगे थिक, ठीक है, हमने पिक्सल्स में नहीं दिया है, स्पेसिफिक जो वैल्यूज होती है वो दिया है, ठीक है, थिक, फाइन। ये हमने क्लासेस बना ली है, 4 क्लासेस बना ली है, अब हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे, देन वी विल क्लोज हेड टैग, फाइन। देन वी विल स्टार्ट द बॉडी, अब बॉडी को स्टार्ट करेंगे, बॉडी के अंदर हम दे देते हैं h1 हेडिंग, बी बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी, ओके द बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी, फाइन। आप देखो, आप इसमें हम क्लास का यूज करेंगे p क्लास 1 1 क्लास का यूज करेंगे, ओके वेलकम टू सीएसएस क्लास, ओके इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि इसी को हम
कर लूंगी यूज, वेलकम टू सीएसएस क्लास कंट्रोल सी। फाइन, वैसे मैं कंप्लीट कॉपी कर लेती हूँ। कंट्रोल सी, सिर्फ क्लास नेम ही तो चेंज करना है हमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें अपनी क्लास का यूज, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है पी क्लास टू। ओहो, मैंने अभी हमने कितनी क्लासेस इसमें बनाई है? फोर क्लासेस बनाई है ना। ओके, तो हम फोर क्लासेस का ही यूज कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल भी किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास टू। फाइन, देन कंट्रोल बी, इसमें हम ले लेते हैं क्लास थ्री। थ्री, फाइन, देन कंट्रोल बी, इसमें हम लिख देंगे क्लास फोर। क्लास फोर, फाइन, ओके। नाउ बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज, फाइन। अब ये हमारा क्या बॉर्डर विथ का एग्जांपल है, कैसे आपने बॉर्डर विथ इसमें अप्लाई किया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करेंगे, पहले हमने बॉर्डर ले लिया था, अब हम लेते हैं बॉर्डर वन करके लेते हैं, बॉर्डर हमने ऑलरेडी बना लिया है, वन HTML, फाइन, बॉर्डर वन HTML, फाइन, ओके। तो हमारा प्रीवियस फाइल आई हुई है, इसको हम ओपन विद गूगल क्रोम, फाइन। पहले हमने बॉर्डर ओपन की थी, तो बॉर्डर यहाँ पे आई हुई है, बॉर्डर वन। अब देखो, आपने सबसे पहले क्या दिया था, आपने क्लास वन ली थी, ठीक है। क्लास वन में आपने क्या किया था, डॉट आपका जो क्या था बॉर्डर सॉलिड था, फाइन, और 5 पिक्सल था, ओके। देन सेकेंड आपने क्लास टू ली थी, उसमें भी बॉर्डर सॉलिड था और बॉर्डर विथ क्या थी, मीडियम, राइट। फर्स्ट में क्या था, बॉर्डर स्टाइल था सॉलिड और बॉर्डर विथ थी 5 पिक्सल, ठीक है। सेकेंड में हमने क्या लिया था, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और बॉर्डर विथ मीडियम, फाइन। थर्ड में हमने लिया था डॉटेड और पिक्सल लिए थे 2 पिक्सल, ठीक है। ऐसे ही हमने 2 पिक्सल आई थिंक हमने लिया था 8 पिक्सल्स, सी, हाँ हमने लिया है 8 पिक्सल्स, ठीक है, 8 पिक्सल्स लिया है, ओके। और यहाँ पे हमने लिया था डॉटेड एंड थिक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी बॉर्डर की जो विथ है उसको अप्लाई किया है, कि डिफरेंट डिफरेंट विथ आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो अपने बॉर्डर को, ओके, किसी भी टाइप के बॉर्डर को, फाइन, ओके। अब अगर हमें एलिमेंट के बॉर्डर्स को, फोर बॉर्डर्स होते हैं, मतलब फोर जो बॉर्डर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट विथ प्रोवाइड करनी है, स्पेसिफिक उनको साइड विथ प्रोवाइड करनी है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमारी एग्जांपल बना हुआ है, इसमें बॉर्डर विथ हमने 5 पिक्सल ली थी, तो यहाँ पे आप ले लो 20 पिक्सल और, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसको मैं कमेंट में करके बता देती हूँ, कि इसका मीनिंग लिख भी देती हूँ। इसका मीनिंग है 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, ठीक है। जो जो आपने 5 पिक्सल लिया है वो किसके लिए, टॉप एंड बॉटम, ओके, एंड 20 पिक्सल ऑन दी साइड्स, मतलब लेफ्ट एंड राइट की जो साइड्स है वहां पे अप्लाई होगी 20 पिक्सल, ओके, समझ आया। अगर आपने दो वैल्यूज लिए हैं, तो जो फर्स्ट वैल्यू है 5 पिक्सल वो किस पे अप्लाई होगी, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर पे, और जो 20 पिक्सल है वो अप्लाई होगी आपकी साइड्स पे, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड पे। अब ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड, ओके, दो एग्जाम्पल लेते हैं, टॉप एंड बॉटम का ले लिया हमने और ये हो गया साइड का, ठीक है। अब क्लास टू, क्लास टू में मैं चाहती हूँ कि सब में अलग अलग आए, ओके। यहाँ पे हमने क्लास वन ली, ठीक है, क्लास टू में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, क्लास टू में आप ले लो 25 पिक्सल
then 10 pixel, then 4 pixel, and then 35 pixel. ओके 35 पिक्सल. ओके तो ये अब कैसे अप्लाई होगा, ये जो आपने दिया है फोर डिफरेंट आपने दिया है विथ, फोर डिफरेंट विथ दिए हैं, तो ये कैसे अप्लाई होंगी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि जो 25 पिक्सल है ठीक है वो होगा टॉप बॉर्डर के लिए. फाइन 10 पिक्सल है ठीक है वो होगा आपका राइट बॉर्डर के लिए, राइट साइड के लिए. ओके जो आपका 4 पिक्सल है, 4 पिक्सल है वो आपका होगा बॉटम के लिए. फाइन एंड जो आपका 35 पिक्सल है ठीक है वो आपका होगा लेफ्ट के लिए. फाइन ओके फाइन. अब इधर देखो हमने क्या किया, टू क्लासेस क्रिएट की, क्लास वन जिसमें हमने क्या कहते हैं बॉर्डर विद 5 पिक्सल एंड 20 पिक्सल दिया, देन क्लास टू जिसमें हमने क्या दिया अलग अलग बॉर्डर्स को अलग अलग आपने विद साइज दिया है ठीक है. अब आपने यहाँ पे क्या किया, पी क्लास क्लास वन को यहाँ पे अप्लाई किया है फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उस पे, एंड पी क्लास टू आपने क्लास टू को इस पे अप्लाई किया ठीक है. इसको हम कर सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस. फाइन नाउ अब जो हमने क्या किया बॉर्डर वन जो अभी फाइल बनाई थी उसमें ही चेंज किया था, तो हम इसको करके रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश कर देते हैं इसको रिफ्रेश ठीक है. तो देखो आपका क्या है क्लास वन, दिस इज योर क्लास वन जहां पे हमने क्या किया था, क्लास वन के अंदर हमने दिया था 5 पिक्सल दिया था ठीक है, किसको टॉप एंड बॉटम बॉर्डर को ओके, एंड 20 पिक्सल क्या किया था साइड्स को दिया था. तो ये आपका आ गया टॉप एंड बॉटम का आ गया आपका 5 पिक्सल्स एंड साइड्स का आ गया आपका 20 पिक्सल्स. फाइन जो हमने नेक्स्ट पैराग्राफ दिया था उसमें 25 पिक्सल हमने क्या दिया था टॉप, देखो 25 पिक्सल आपका टॉप ओके, 10 पिक्सल आपका राइट, तो यहाँ राइट में हमारा 10 पिक्सल आया है ओके, 4 पिक्सल बॉटम, 4 पिक्सल आपका बॉटम एंड 35 पिक्सल आपका लेफ्ट. फाइन तो यहाँ पे हमने क्या किया स्पेसिफिक साइड्स को स्पेसिफिक विड्थ प्रोवाइड की है ओके. नाउ वी हैव बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो ठीक है. तो हम कैसे कर सकते हैं बॉर्डर जो कलर नेम है उसको यूज कर सकते हैं ठीक है, या फिर आप हेक्स वैल्यू को यूज कर सकते हो, कलर की जो हेक्स वैल्यू होती है, या आप आरजीबी वैल्यूज को यूज कर सकते हो ओके. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे आप बॉर्डर को कलर दे सकते हैं. तो ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम है, इसके अंदर हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, लेकिन इट इज मैंडेटरी कि आप पहले बॉर्डर स्टाइल जरूर डिफाइन करोगे, क्योंकि अगर बॉर्डर ही नहीं होगा तो कलर कहां से आएगा. तो यहाँ पे मेरी P1 क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, इसको मैंने कर दिया बॉर्डर कलर ठीक है, बॉर्डर कलर आपने दे दिया लेट अस सपोज रेड ठीक है, फर्स्ट को दे दिया बॉर्डर कलर रेड. फाइन सेकंड में ये हमने बनाई थी P.2 क्लास, अब यहाँ पे हम देते हैं बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर हम देते हैं ग्रीन. फाइन ये आपका बॉर्डर कलर आ गया ग्रीन. फाइन एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं P.3 क्लास ओके, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अगर बॉर्डर स्टाइल नहीं दिया तो बॉर्डर डिस्प्ले ही नहीं होगा ठीक है. डॉटेड एंड बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर आपने दे दिया ब्लू. फाइन तो यहाँ पे आपने क्या किया है बॉर्डर कलर्स को स्पेसिफाई कर दिया है. फाइन अब हम क्या करेंगे, नीचे अपना जो प्रोग्राम है स्टाइल क्लोज हो गया, स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी के अंदर आप इसमें कर दो बॉर्डर कलर, कलर प्रॉपर्टी ठीक है. क्लास वन हमने अप्लाई की, क्लास टू अप्लाई की, और अब क्लास 3 अप्लाई कर देते हैं ठीक है. कंट्रोल सी एंड एंड आपका आ गया कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 3 3 ठीक है.
तो क्लास वन में क्या है, सॉलिड है बॉर्डर एंड कलर रेड, क्लास टू में सॉलिड बॉर्डर कलर ग्रीन, एंड क्लास थ्री में डॉटेड बॉर्डर एंड ब्लू कलर। फाइन, तो ये हमने इसको अप्लाई कर दिया। आप देखेंगे इसको हम सेव कर लेते हैं, प्रीवियस फाइल में ही चेंज किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर वन के अंदर ही क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे फाइल को। ठीक है, बॉर्डर वन एंड रिफ्रेश। तो देखो, फर्स्ट हमारा क्या था, सॉलिड बॉर्डर रेड कलर, सेकंड हमारा क्या था, सॉलिड बॉर्डर ग्रीन कलर, देन थर्ड हमारा क्या था, डॉटेड बॉर्डर ब्लू कलर। ओके, ये हमारा आ गया है, हमने अप्लाई कर दिया कलर को। फाइन, अब अगर आप चाहो तो बॉर्डर जो है आपका एलिमेंट का बॉर्डर है उसकी डिफरेंट साइड को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे मेरी क्लास वन है, क्लास वन में मैं चेंजेस कर देती हूँ, मैंने रेड कर दिया, देन यहाँ पे ग्रीन दे दिया नेक्स्ट साइड के लिए, देन आपने ब्लू दे दिया और आपने येलो दे दिया। जैसे आप बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करते हो वैसे ही आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे बॉर्डर थिकनेस अप्लाई करते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो रेड है वो कहाँ आएगा, इसको हमेशा याद रख लो, जो फर्स्ट आपने वैल्यू दी है वो कहाँ पे अप्लाई होगी, आपकी फर्स्ट वैल्यू अप्लाई होगी टॉप पर। ठीक है, तो रेड कहाँ जाएगा, टॉप पर, मैं इसको कमेंट में से दे दूँ जिससे आपको याद रहे। और देन सेकेंड वैल्यू कहाँ जाएगी, राइट में, तो जो आपका सेकेंड जो कलर है वो कहाँ पे अप्लाई होगा, राइट में। थर्ड जो आपका कलर है, थर्ड जो वैल्यू है वो कहाँ पे अप्लाई होगी, आपके बॉटम में, बॉटम बॉर्डर में। ठीक है, तो ये बॉटम में जाएगा। देन आपका येलो है, येलो आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। फाइन, येलो आपका हो गया लेफ्ट। ओके, ये मैंने विद द हेल्प ऑफ कमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, तो सेव कर लो। फाइन, अब हम देखो वहां पे क्या करेंगे, अपनी फाइल को रिफ्रेश करेंगे। जो हमने क्लास वन है, क्लास वन के अंदर चेंजेस किए, क्लास टू और थ्री में कोई चेंज नहीं किया है। क्लास वन में इसलिए चेंज किया कि आपको दिखाने के लिए कि आप एक ही एलिमेंट के बॉर्डर्स के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो। फाइन, अब इसको रिफ्रेश करो। देखो, जो आपने फर्स्ट क्या दिया था, रेड अपर बॉर्डर, देन ग्रीन, ग्रीन कहाँ गया, राइट में, ब्लू बॉटम पर, और येलो कहाँ पर है आपका, लेफ्ट। ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो एक ही बॉर्डर में। फाइन, ओके, अभी आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर बॉर्डर प्रोवाइड किया। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बॉर्डर प्रोवाइड किए। अब हम एक ही एलिमेंट के अंदर बॉर्डर की डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, इसको हम बना, अभी यहाँ पे प्रोग्राम की हेल्प से बना के देखते हैं। ठीक है, तो आपका आ गया डॉक टाइप मींस डॉक्यूमेंट टाइप, आपका क्या है, HTML। फाइन, HTML, देन आपका है हेड। ओके, HTML हेड लिख दिया, HTML लिखने की वजह। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव द HTML टैग, देन हेड। ठीक है, हेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंटरनल CSS क्रिएट कर रहे हैं। फाइन, इंटरनल सीएसएस में मैंने क्या किया, पी पी एलिमेंट के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर, टॉप स्टाइल, मतलब टॉप बॉर्डर को मैं दे रही हूँ, टॉप बॉर्डर को मैंने कर दिया डॉटेड, डॉटेड देन बॉर्डर, बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट स्टाइल, राइट स्टाइल। फाइन, इसको कर दिया आपने सॉलिड। ओके, देन बॉर्डर बॉटम, बॉटम बॉटम बॉर्डर को आपने कर दिया डॉटेड। फाइन, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल दे रहे हो। ठीक है, सॉलिड। फाइन, ओके, पैराग्राफ के अंदर हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया, देन आपने हेड को क्लोज कर दिया, देन बॉडी टैग स्टार्टिंग, इसके अंदर आप हेडिंग दे दो H1, H1 दे दिया आपने, हिंदी विजुअल बॉर्डर साइड्स। ठीक है, तो आप साइड्स के ऊपर क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल बॉर्डर स्टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है,
ये हमारा हो गया H1 हेडिंग, ओके। अब आपने पैराग्राफ टैग को यूज किया, ठीक है, डिफरेंट बॉर्डर स्टैंड, और यहाँ पे आपने लिख दिया पैराग्राफ में लिखा डिफरेंट DAFFENT डिफरेंट बॉर्डर टाइप, ओके, डिफरेंट बॉर्डर टाइप ये आपने कर दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, ठीक है, सेव कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने न्यू फाइल बनाई थी, इसको बॉर्डर टू नेम देते हैं, बॉर्डर टू डॉट HTML, फाइन। अब इसको हम ओपन करते हैं, बॉर्डर टू ओपन विद गूगल क्रोम ले लेते हैं, फाइन। देखो अब ये ओपन हो रही है, हमने एक पैराग्राफ दिया था और उसमें डिफरेंट स्टाइल दिए थे, जो आपका टॉप था वो क्या था, डॉटेड, ठीक है, राइट आपने क्या दिया था, सॉलिड, ओके, देन अगेन आपने बॉटम क्या दिया था, डॉटेड, एंड लेफ्ट आपने क्या दिया था, सॉलिड। तो देखो एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स भी अप्लाई कर दिए, फाइन। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को भी डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर, ओके। और जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है, इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं सिंपली ये पूरा इंडिविजुअल देने की जगह आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको क्या देना है, दो आप वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया बॉर्डर स्टाइल, ओके, तो फर्स्ट मैंने वैल्यू दी है डॉटेड, तो कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, टॉप एंड बॉटम पे, ठीक है, एंड दे दिया सॉलिड, जो मैंने अभी बनाया था ये बिल्कुल सेम वही है, वही है, ठीक है। सॉलिड कहाँ पे अप्लाई होगा, राइट एंड लेफ्ट साइड पे, ठीक है, कंट्रोल एस, फाइन। तो देखो इसको रिफ्रेश करूंगी तो रिजल्ट इसका सेम ही आएगा, सेम रिजल्ट है, क्यों, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट जो है डॉटेड वो कहाँ अप्लाई होगा, आपका टॉप बॉर्डर पे एंड बॉटम पे, और सॉलिड कहाँ होगा, आपका दोनों साइड्स पर। तो ये हमने इसको क्या किया, पहले जो मैंने बनाया था वो थोड़ा बिग था, तो मैं इसको स्मॉल करके बता दिया, ठीक है। नाउ वी हैव सी एस एस शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज मीन्स जब आप एक पर्टिकुलर क्या करते हो HTML एलिमेंट पर, ओके, जो बॉर्डर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनको छोटा करके एक साथ अप्लाई करते हो, ठीक है, उनको एक साथ अप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, फाइन। तो जैसे हमारे यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम पहले बनाया था, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, तो बॉर्डर है, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को मुझे एक साथ दो तीन प्रॉपर्टीज को एक साथ यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बॉर्डर टैग का यूज करूंगी सिंपल, ठीक है, कॉलन। अब मैंने दिया 5 पिक्सल, 5 पिक्सल क्या हो गया, उसकी विथ हो गई, देन आई गिव सॉलिड, सॉलिड क्या हो गया, उसका स्टाइल हो गया, एंड रेड, रेड क्या हो गया, उसका कलर हो गया। तो ये क्या, मैं इसको शॉर्ट करके मैंने बॉर्डर को एक साथ तीन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी, बॉर्डर विथ, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, फाइन। इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस, फाइन। बॉर्डर टू, अब देखो बॉर्डर टू हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसको मैं क्या करूंगी, रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगी, दिस इज आवर बॉर्डर टू एंड देन रिफ्रेश, ठीक है। तो अब देखो 5 पिक्सल हो गई है उसकी विथ, ओके, बॉर्डर आपका हो गया सॉलिड, एंड कलर क्या हो गया उसका, रेड। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, शॉर्ट एंड मीन्स शॉर्ट करके एक साथ बॉर्डर पे कितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई की है पैराग्राफ टैग के बॉर्डर पर, ठीक है, बॉर्डर, देन 5 पिक्सल, सॉलिड एंड रेड, ओके। और अगर आपको कंप्लीट बॉर्डर के ऊपर ही अप्लाई नहीं करना है, बॉर्डर की किसी साइड पे अप्लाई करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, उस पर्टिकुलर साइड को हम यूज कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने किया बॉर्डर लेफ्ट दे दिया, ठीक है, लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट दे दिया, ओके। आप इसको सेव कर दो, कंट्रोल एस कर दो, ठीक है, फाइन। अब देखना हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, तो सिर्फ हमने क्या दिया, लेफ्ट पे दिया, फाइन। तो आपका सिर्फ लेफ्ट पे ही क्या आ रहा है, ये जो भी प्रॉपर्टी आपने दी थी, ओके, पिक्सल्स, उसकी साइड वगैरह, तो क्या हुआ, और बॉर्डर भी सिर्फ लेफ्ट का ही आ रहा है, फाइन, ओके, ओके। नेक्स्ट वी हैव सीएसएस राउंडेड बॉर्डर्स। अगर आपको क्या चाहिए, एचटीएमएल एलिमेंट्स के जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, और उनकी साइड्स क्या हो, राउंड हो,
ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। ओके, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज टू एड राउंडेड बॉर्डर्स टू एन एलिमेंट। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्या करती है, राउंडेड बॉर्डर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको करते हैं यहाँ पर। डॉक टाइप आपने बता दिया, व्हाट इज दिस, दिस डॉक्यूमेंट इज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक टाइप क्या होता है, आप बताते हो ब्राउजर की कौन सा डॉक्यूमेंट है, एचटीएमएल है। ठीक है, एचटीएमएल, फाइन। फिर हमने दे दिया इसमें हेड, हेड के अंदर आपने इंटरनल सीएसएस को क्रिएट किया, स्टाइल, फाइन। तो हमने दे दिया सबसे पहले पैराग्राफ स्पेसिफिक, हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ स्पेसिफिक हम क्लास बना रहे हैं नॉर्मल, और उसमें हमने प्रोवाइड किया बॉर्डर। बॉर्डर आपने क्या किया है, 2 पिक्सल्स बॉर्डर सॉलिड एंड उसका कलर दे दिया रेड, फाइन। नेक्स्ट आपने दिया पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, जो बॉर्डर और जो बॉर्डर के अंदर कंटेंट है उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, जो आप बॉर्डर के अंदर आपने पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ जो टेक्स्ट मटेरियल है वो और बॉर्डर्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, जो हम एचटीएमएल में भी करते हैं सेल्फ पैडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिंपल नॉर्मल बॉर्डर दिया है। ओके, नॉर्मल बॉर्डर आएगा, फिर हम देंगे राउंड बॉर्डर। ठीक है, हमने दिया पी डॉट राउंड वन, राउंड वन क्लास का नेम है। बॉर्डर आपने दे दिया है इसके अंदर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, बॉर्डर, अब राउंडेड बॉर्डर के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस, RADIUS, रेडियस। ठीक है, तो हमने ये दिया इसको कितना टर्न हो, 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस। ठीक है, देन पैडिंग। पैडिंग क्या है, पैडिंग मैंने आपको अभी बताया है कि जो कंटेंट है और जो बॉर्डर्स की वॉल है उसके बीच में कितना मार्जिन है। ठीक है, पिक्सल, फाइन। नेक्स्ट क्लास हमने कर दी पी डॉट राउंड टू। ओके, बॉर्डर आपने ले लिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, एंड देन बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर यूएस रेडियस। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हमने ले लिया 9 पिक्सल या 8 पिक्सल, जो भी आप लेना चाहते हो 8 पिक्सल ले लो। ओके, एंड देन पैडिंग, पैडिंग आपने ली है 5 पिक्स। ओके, देन हमने किया नेक्स्ट क्लास बनाई आपकी पी डॉट राउंड 3। ओके, इसके अंदर आपने दिया बॉर्डर, बॉर्डर आपका हो गया 2 पिक्सल। ओके, बॉर्डर आपका हो गया 2 पिक्सल एंड सॉलिड और इसका कलर दे दिया रेड, फाइन। बॉर्डर रेडियस, रेडियस अब यहाँ पे हमने दे दिया 12 पिक्सल, ज्यादा रेडियस दे दिया। ठीक है, पैडिंग, पैडिंग, पैडिंग आपने दे दी 5 पिक्सल, फाइन। तो हमने 4 क्लासेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो आप क्या करोगे, स्टाइल टैग को क्लोज करोगे, देन आप हेड टैग को क्लोज करोगे, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर बॉडी टैग। बॉडी को स्टार्ट किया, फाइन। बॉडी के अंदर हम हेडिंग दे देते हैं, H1 हेडिंग, दी बॉर्डर RADIUS रेडियस प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी H1, फाइन।
अब हम क्या करेंगे, क्लासेस को यूज करेंगे। पी आपकी क्लास, सबसे पहले आपने कौन सी क्लास बनाई थी? नॉर्मल क्लास, ठीक है। हमने सबसे पहले बनाई थी, एक बार ऊपर करके देख लेते हैं, नॉर्मल ही बनाई है ना। उसका नेम क्या रखा है? अपनी क्लास का नॉर्मल, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक बनाई है नॉर्मल, ठीक है। तो उसको हम लिख देते हैं नॉर्मल, पे अप्लाई करते हैं नॉर्मल, नॉर्मल बॉर्डर, फाइन। देन आपने सेकंड बनाई थी पी क्लास राउंड, राउंड वन, ओके। तो राउंड बॉर्डर, फाइन। देन हमारी थर्ड क्लास है, ओके, राउंड टू, जिसमें हमने थोड़ा सा और कर्व दिया है, ठीक है, 8 पिक्सल का कर दिया है। और अब हम लेंगे राउंडर बॉर्डर, उससे ज्यादा, राउंडर बॉर्डर मीन्स राउंड से थोड़ा और ज्यादा, राउंडर बॉर्डर, ठीक है, ओके। नाउ पी क्लास नेक्स्ट राउंड थ्री हमने बनाया था, राउंड थ्री क्लास, ओके। तो ये हमने बना दी राउंडेस, क्योंकि हमने इसमें क्या दिया है, 12 पिक्सल दिया है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस क्या दिया है? 12 पिक्सल राउंडेस, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कर्व इसके अंदर होगा। कंट्रोल पी, बॉडी क्लोज एंड देन आपका HTML क्लोज, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, न्यू फाइल बनाइए। इसको हमने कर लिया बॉर्डर 3.html, फाइन, बॉर्डर 3.html, ओके। अब इसको हम करेंगे ओपन विद ब्राउजर, लोड हो रही है क्लास। पहला हमारा हमने क्या दिया है? नॉर्मल बॉर्डर। तो देखो फर्स्ट था हमारा नॉर्मल बॉर्डर। अच्छा, नॉर्मल बॉर्डर में मैंने कुछ लिखा नहीं है शायद, नॉर्मल बॉर्डर। अच्छा, इसको टैग को क्लोज नहीं किया, ऐसे कंट्रोल एस सेव। Now we will refresh it. ठीक है, फर्स्ट देखो आपका आया नॉर्मल बॉर्डर, फाइन। सेकंड आपका आया राउंड, जो आपकी देखो आउटलाइनिंग है वो राउंड है यहाँ पे, ठीक है, ओके। सेकंड, और से थर्ड में आपने क्या किया था? 8 पिक्सल, तो थोड़ा और राउंड है। और जो आपने जो लास्ट क्लास थी आपकी राउंड थ्री क्लास, उसमें आपने 12 पिक्सल दिया, तो देखो इसकी इसकी जो आउटलाइनिंग है, जो यहाँ पे वो क्या है, बिल्कुल ही राउंड है, फाइन। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने बॉर्डर्स को राउंड कर सकते हो, ओके। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो बॉर्डर्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल, कलर, ओके, विड्थ, वो सारी हमने अप्लाई की, फाइन।